रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। रूसी सेना के यूक्रेन पर हमले नहीं रुक रहे हैं, यूक्रेन ने कई हमलों को नाकाम किया है। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमला किया। हवाई हमलों में यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बनाया गया। वहीं यूक्रेनी सेना के मुताबिक खार्किव और कुप्यांस्क में रूसी सेना के हवाई हमले को विफल कर दिया गया। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस की सेना के हवाई हमले को विफल किया। भीषण युद्ध में एक तरफ जहां यूक्रेन को पश्चिमी देशों के ड्रोन की मदद मिल रही है, तो वहीं अब रूस को नॉर्थ कोरिया का साथ मिलने वाला है। ड्रोन हमलों की वजह से ही यूक्रेन के सैनिक अब तक रूस को रोकने में कामयाब रहे हैं। ड्रोन की मदद से दोनों ही देशों के सैनिक एक दूसरे पर हमलावर हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 2 सालों से भी ज्यादा का समय हो चुका है। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई इस भीषण जंग ने दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचाया है। चिली के मगालनेस में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। दुनिया के अलग अलग इलाकों में कुदरत का अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। कहीं पर बाढ़ से हाल बेहाल है, तो कहीं पर बर्फबारी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। तस्वीरें चिली के मगालनेस की हैं, जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में बस एक ही रंग दिखाई दे रहा है। आसमान से लेकर ऊंची पहाड़ियों तक और जमीन से लेकर घर और गाड़ियां, सब पर बर्फ की चांदनी परत चमक रही है। मगालनेस में ऐसी पहली बार हो रहा है जब समुद्र का एक हिस्सा पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो गया है। ये तस्वीर देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, उतनी ही लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन रही है। अब जरा इस घर को देखिए, खिड़की से लेकर छत तक सब जगह बर्फ की चादर है। माइनस टेम्परेचर से बचने के लिए लोगों ने खुद को घरों में कैद कर रखा है। लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए भी घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। सड़क पर खड़ी गाड़ियां बर्फ के टीले की तरह नजर आ रही हैं। कारों पर भी बर्फ जमी हुई है। इसके साथ ही रास्तों पर जमी बर्फ की वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में काफी परेशानी हो रही है। चीन के कई शहर भीषण बाढ़ की मार झेल रहे हैं। बाढ़ से लाखों लोग बेहाल हैं। चीन में जोरदार बारिश आफत बनकर आई है। कुदरत की मार के सामने हर कोई बेबस दिखाई दे रहा है। हुआंगशान शहर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। पानी के तेज बहाव में गाड़ियां नाव की तरह तैरती दिख रही हैं। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों, घरों और दुकानों में भरे पानी को हटाने के लिए राहत टीम जुटी हुई है। सैलाब के बीच इन तस्वीरों को देखिए, जहां कुछ लोग बाढ़ के पानी में घिर गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित जगह पर भेजा है। यहां कई घर ऐसे हैं जहां लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। लोगों को बचाने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सैलाब से 48,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। हुआंगशान में पिछले 9 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बाढ़ में कई पुल बह गए हैं और कम ऊंचाई वाले घर तहस नहस हो गए हैं। साथ ही कई शहर जलमग्न हैं। और अब बात करते हैं रूस की, जो अब अमेरिका का मुकाबला करने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना बनाने जा रहा है। इसके लिए रूसी नौसेना एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की योजना बना रही है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक युद्धपोत इतना विशालकाय होगा कि अमेरिकी नौसेना भी शायद इससे डर जाए। अब रूस भी समंदर के सिकंदर बनने की रेस में उतर गया है। जानकारी के मुताबिक रूस जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने जा रहा है, उसका वजन 90,000 टन होगा। ये आकार में अमेरिकी सुपर कैरियर के बराबर होगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर स्टेल्थ तकनीक से लैस सुखोई 57 लड़ाकू विमानों को तैनात किया जाएगा। अब सवाल ये है कि अचानक रूस की सेना को महाविनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल यूक्रेन से युद्ध में रूस के ब्लैक सी फ्लीट के कई जहाज तबाह हो गए। यही नहीं, यूक्रेन और नाटो देशों से मुकाबले के लिए उसे 4 एयरक्राफ्ट कैरियर की सख्त जरूरत है। रूस के पास एक भी एक्टिव विमान वाहक युद्धपोत नहीं है, जबकि उसके सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो शायद यही वजह है कि समुद्र में खतरों से निपटने के लिए रूस बहुत जल्द दुनिया का सबसे विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करना चाह रहा है। Z News.